हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी, आज 5 मार्च को ग्रह विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों 5 मार्च है और आज है आप सभी का ग्रह विज्ञान विषय का पेपर। पेपर देने से पहले आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं या 70 में 65 प्लस का भी स्कोर करना चाहते हैं, तो आप मेरे प्यारे बच्चों आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रह विज्ञान विषय का पेपर है, मॉडल पेपर है, इसी पैटर्न पर आज आपका पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रह विज्ञान विषय का कोड क्या है, 930 है। इस मॉडल पेपर का कोड है 823AG। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है। आज आपको पेपर देने जब आप जाओगे, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। प्रारंभ के 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, यानी 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट का समय आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटे का समय मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला नोट है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड में है और खंड का में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है और इनकी संख्या मेरे प्यारे बच्चों रहेगी 20। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर OMR सीट में भर दिया, तो आपके पूरे पूरे ये 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, यहाँ आप लोग आगे ध्यान देंगे। तथा खंड खा में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं, उनके उत्तर हेतु निर्देश भी प्रत्येक प्रश्न के पहले ही दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड का के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार OMR उत्तर पत्रक में भरिए। मेरे प्यारे बच्चों, 4 विकल्प हैं प्रत्येक प्रश्न के, जो भी विकल्प सही होगा आपको उसी विकल्प के अनुसार OMR सीट में गोला काला करना होगा। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। आप सभी लोगों को फटाफट से ये प्रश्न पढ़ लेने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है। विकल्प इस प्रश्न के हैं, पहला है विकल्प खेलने के लिए, दूसरा विकल्प बाजार जाने के लिए, तीसरा रोगी को ले जाने के लिए, चौथा विकल्प घूमने जाने के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेचर का प्रयोग रोगी को ले जाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, बचत की आवश्यकता है, यानी बचत क्यों किया जाता है। पहला है विकल्प मनोरंजन के लिए, दूसरा विकल्प बंगला खरीदने के लिए, तीसरा विकल्प भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए, चौथा ये सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हम बचत क्यों करते हैं, ताकि हम भविष्य में आने वाले जो आकस्मिक खर्चे हैं, जो अचानक खर्च आ जाता है भविष्य में, उस खर्च को कहीं ना कहीं बचत किया गया धन काफ़ी ज़्यादा मददगार उसमें साबित हो जाता है। यानी उस खर्च में जो बचत किया हुआ धन है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 है, सर्वोत्तम आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वोत्तम आदर्श पारिवारिक बचत किसे माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बचत का बजट। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या घट जाता है या बढ़ जाता है या नियमित रहता है या फिर अप्रभावित रहता है? तो जब हम आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर का तापमान नियमित बना रहता है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 5 है, यहाँ पर 1 ग्राम में होते हैं, 1 ग्राम में क्या 10 डेकाग्राम होते हैं या 10 सेंटीग्राम या 10 डेसीग्राम या मेरे प्यारे बच्चों 10 मिलीग्राम? तो 1 ग्राम में होते हैं 10 डेसीग्राम। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए, H2O का तात्पर्य क्या है? क्या यहाँ पर पहला है विकल्प पानी, दूसरा विकल्प हवा, तीसरा विकल्प आग, चौथा विकल्प विद्युत? तो H2O किसका रासायनिक सूत्र है या किसका रासायनिक यौगिक है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पानी। प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला है विकल्प बेरी-बेरी, दूसरा विकल्प है एनीमिया, तीसरा विकल्प है क्षय रोग, चौथा है चेचक। तो लौह तत्व की कमी से मेरे प्यारे बच्चों एनीमिया रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अशुद्ध जल से कौन सा रोग हो जाता है? क्या हैजा रोग होता है या चेचक रोग या टिटनेस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अशुद्ध जल से मेरे प्यारे बच्चों कौन सा रोग हो जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हैजा रोग। प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला है विकल्प 20 जून को, दूसरा विकल्प है 21 जून को, तीसरा विकल्प है 25 जून को और चौथा है 28 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अगला है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर पहला है विकल्प 19 मार्च को, दूसरा 18 नवंबर को, तीसरा विकल्प 19 नवंबर को, चौथा है 18 यहाँ पर नवंबर, थोड़ा सा ये विकल्प मिसप्रिंट है, आप लोग मैनेज कर लेना। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके फटाफट से बता दो। और मैं आपको एक प्रश्न और बता दूं, विश्व पर्यावरण दिवस या पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न यहाँ पर है, मक्खी द्वारा फैलता है यानी मक्खी के द्वारा दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग फैल जाता है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों प्लेग, दूसरा विकल्प है मलेरिया, तीसरा विकल्प हैजा, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर क्या होगा? मक्खी के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हैजा रोग। प्रश्न संख्या 12 है, घर में सिलाई करने से बचत होती है। विकल्प इस प्रकार से हैं इस प्रश्न के, पहला है विकल्प कपड़े की, दूसरा विकल्प है धन की, तीसरा विकल्प समय की, चौथा विकल्प समय धन एवं कपड़े की। तो घर में सिलाई करने से बचत होती है किसकी? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा, घर में सिलाई करने से समय धन एवं कपड़े की बचत होती है। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो उसे अस्थिभंजन को क्या कहते हैं? कच्चा या संयुक्त या बहुखंडी या साधारण? तो यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थिभंजन को क्या कहा जाता है? बहुखंडी अस्थिभंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक प्रकार का ईंधन कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से क्या कोयला आधुनिक प्रकार का ईंधन है या कंडे
या गैस या लकड़ी, तो आधुनिक प्रकार का ईंधन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गैस। प्रश्न संख्या 15 है, सब्जियों को धोना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि सब्जियों को कब धोना चाहिए। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, छीलने के बाद। दूसरा विकल्प, छीलने से पहले। तीसरा, काटने के बाद। चौथा विकल्प, प्रत्येक बार। तो सब्जियों को कब धोना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सब्जियों को मेरे प्यारे बच्चों छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है, ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? पहला है विकल्प प्रोटीन, दूसरा विकल्प विटामिन, तीसरा विकल्प खनिज लवण और चौथा विकल्प कार्बोहाइड्रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, पीतल के फूलदान को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या पीतल के फूलदान की सफाई किसके द्वारा की जाती है? मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा चूना के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 है, सजावट से पूर्व आवश्यक है। सजावट से पूर्व क्या आवश्यक होता है? क्या चित्र एकत्र करना, या कालीन खरीदना, या फूलों का चुनाव करना, या कमरे की सफाई करना? तो सजावट करने से पहले क्या आवश्यक होता है? जिस कमरे में हमें सजावट करनी है, सबसे पहले उस कमरे की क्या करना? सफाई करना। प्रश्न संख्या 19 है, कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? क्या जल में डूबने पर, या दम घुटने पर, या फांसी लगाने पर, या तीनों अवस्थाओं में? कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा तीनों अवस्थाओं में। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है तेज ज्वर में, या तीव्र वेदना में, या हड्डी टूटने पर, या मोच आने पर? मेरे प्यारे बच्चों बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है कब? तेज ज्वर अर्थात तेज बुखार आने पर बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर खंड खा जो कि होगा 50 नंबर का, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न है और निर्देश है, इन प्रश्नों को आप लोग फटाफट से पढ़ लेना, इनका उत्तर भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों समय तो कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करो, इसलिए मैंने कई मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए थे गृह विज्ञान के, और इस मॉडल पेपर को भी आप लोग पढ़ लीजिए फटाफट से। इसमें जो भी प्रश्न है इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको कितने शब्दों में देना होगा? 25 शब्दों के अंतर्गत देना है। प्रश्न संख्या 21 है, एक अच्छे बजट की दो विशेषताएं लिखिए। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 2 नंबर का। यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 है, वाहक चेक किसे कहते हैं, इसके लाभ बताइए। प्रश्न संख्या 23 है, यहाँ पर जल को शुद्ध करने के 2 आधुनिक उपकरणों के बारे में लिखिए। और प्रश्न संख्या 24 है मेरे प्यारे बच्चों, किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 25 है, शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 26 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, किस प्रकार के अस्थि भंग में रोगी को बर्फ चूसने के लिए दी जाती है। इसके बाद आप देखोगे लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। यहाँ पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं, इनके उत्तर अधिकतम आपको कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों के अंतर्गत देना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 है कि रेशमी वस्त्रों की धुलाई की विधि लिखिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रह गणित का ज्ञान होना ग्रहणी के लिए क्यों आवश्यक है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 29 वेरी इंपॉर्टेंट, मानव शरीर में अस्थियों की बनावट का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 30 है, भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए और क्यों। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देख
देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 32 है। पारिवारिक बजट का क्या महत्व है, इससे परिवार को होने वाले लाभों का भी वर्णन कीजिए। इस तरह का प्रत्येक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, मियादी बुखार या टाइफाइड नामक रोग के कारणों, लक्षणों, उपचार एवं बचने के उपाय का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 33 है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारणों का उल्लेख कीजिए तथा उसे नियंत्रित करने के उपाय भी बताइए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तपेदिक नामक रोग के फैलने के कारणों, लक्षणों तथा उपचार एवं बचाव के उपचार का वर्णन भी कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 34 है। हस्त आसन द्वारा घायल व्यक्ति के स्थानांतरण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेम पैटर्न पर पेपर आएगा आज आप सभी का। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं ग्रह विज्ञान के पेपर के लिए, ढेर सारा आशीर्वाद। आप सभी का पेपर अच्छा हो, अच्छा स्कोर करके आओ, ऐसी हम सभी की प्रार्थना है ईश्वर से। आप सभी लोग पेपर अच्छे से दीजिएगा, सोच समझ कर विकल्पों का चयन कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग पेपर देने के बाद आइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।